मुझे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। मैं जवान था, कीर्ति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था। कालीनाथ, मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। शेर ने बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन की नहीं। शेर मौत के मुंह से लौट आया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो। वो इतने बड़े थे। Yeah.
मेरे मनोरंजन के लिए नहीं थे। शंग्रीला खुद को बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। स्थान को ढूंढना है, उससे बचाना नहीं है। कहा जाता है कि शंग्रीला वो जगह है जहां भगवान कीरा की ज्ञानोदाई हुई थी, इसलिए जन्नत में प्राकृतिक दुनिया के नियम लागू नहीं होते। सुनाया करते थे, उनकी दीवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दीवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। शा।